मेरा पहले वेट 135 केजी से आज मेरा वेट 95 केजी अंडर हो गया। आई एम वेरी थैंक्स फॉर माय सन। वेट मेरा 103 था, अब 83 रह गया। डॉक्टर साहब वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। मेरा वजन पहले 118 केजी था और अभी 99 है। डॉक्टर सबको साहब की तो तारीफ है ही है और बहुत अच्छा फील करते हैं। Myself, Dr. Sukhvinder Singh Saggu. I am a laparoscopic bariatric surgeon. I did my medical school from SMS Medical College, Jaipur. Then I did my post-graduation from GMC, Amritsar. Then I did my gastro and bariatric training from Ahmedabad. Then I am a fellow of International College of Surgeons, Chicago. And I am a fellow of American College of Surgeons, Chicago. I did my advanced bariatric training from Agent St. John Hospital, Bruges, Belgium, where I was trained and I was awarded a diploma in advanced bariatric surgery. So bariatric surgery, laparoscopic bariatric surgery is a really a blessing for obese people, especially for the patients who are diabetic, who are hypertensive, who have a sleep apnea, have a lot of snoring, the patients who have infertility, patients who have low backache, and many other problems are related to the obesity. So when we do a bariatric surgery, so the patients, not only patient lose the weight, but also the patient have a cure or resolution for all these conditions which are related to the obesity. Like after the surgery, patient discontinued all the medication which he or she was taking for the diabetes. Even lot of patients are there who were taking lot of insulin, and now they stopped taking insulin after the surgery. Their sugar level, they came normal. Even they have stopped all the medication for the hypertension. Lot of patients are there who were using a machine for the sleeping, like a BiPAP or CPAP. After the surgery, they discontinued using the CPAP, BiPAP, and they were having a very good sleep. And these all, they are blessings of the laparoscopic bariatric surgery. हाय, दर्शना धनखड़, 55 ओल्ड। मेरा वेट 135 था। चलने फिरने में परेशानी थी, सांस लेने में परेशानी थी, कहीं जाना होता तो सोचती थी कि ना ही जाऊं। डॉक्टर साहब से मिले तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, मतलब मन करा कि हाँ करवा लिया जाए ऑपरेशन। तो फिर मैंने अपना मन बनाया, लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरी ज़िंदगी पलट दी पूरी। अब मैं इतनी एक्टिव हो गई हूँ, कहीं जाना तो सोचना नहीं पड़ता। और मेरा हर्निया भी था, वो हर्निया भी मतलब वजन के हिसाब से मेरा ठीक हो गया अब, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरों के लिए यही मैसेज है कि भाई अगर वेट है आपका और कोई आपको बोलता है तो आपको करवा लेना चाहिए, मतलब फिर से ज़िंदगी जीने का मज़ा आ गया। ये लगता है कि डॉक्टर साहब तो हमारे लिए भगवान बन के आए, नहीं तो सब कुछ मतलब इतना वो हो गया था, निराशा हो गई थी कि क्या आप ज़िंदगी में कुछ नहीं है, बस ऐसे ही रहना है। हाय, मैं बबली कोहली हूँ। माय एज इज़ 50 इयर्स ओल्ड और मुझे कुछ चार साल पहले से ही मुझे शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, जो मेरा ऑक्सीजन पैर से मेरे ब्रेन तक पास नहीं होता था, जिसकी वजह से मैं बाईपाइप यूज़ कर रही थी। और मेरा वेट 131 था। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, क्रिएट फेस पूरा मेरा डार्क पैचेस बन गए थे, स्किन में ग्लो नहीं था। काफ़ी सारे डॉक्टरों को मिली हूँ, कुछ नहीं हुआ।
कईयों ने मुझे ये भी बोला ऑपरेशन होगा बट यू माइट नीड अ वेंटिलेटर ऑल्सो. बस इस डर से मैंने कभी कराया नहीं. एट लास्ट मुझे किसी ने डॉक्टर सुखविंदर सग्गू के बारे में बताया. द मोमेंट आई मेट हिम द वे ही कंसल्ट मी इट वॉज फैबुलस एंड विद इन अ मंथ आई गॉट ऑपरेटेड फ्रॉम हिम. मेरा ऑपरेशन 20 दिसंबर को हुआ है एंड टुडे आई हैव लॉस्ट अबाउट 35 केजीज विथ नो डायबिटिक नो बीपी नो हाइपरटेंशन. मेरी ऑक्सीजन की मशीन बाईपाइप भी उतर गई है. आज मैं एंजॉइंग माई लाइफ एवरी मिनट ऑफ माई लाइफ. सोशल वर्क मेरा ख़त्म हो गया था. मैं सोशल वर्क कर रही हूँ और मेरे ख्याल से अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हो रिलेटेड तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट क्योंकि इससे आपको एक नया जीवन मिलेगा. मेरी उम्र 64 प्लस थी जिस वक्त मैंने बायरेट्रिक ऑपरेशन करवाया है. उससे पहले भी मेरा वेट 145 किलो था. ऑपरेशन करवाने से पहले 25 सितंबर 2014 को और आज 11 सितंबर हो गई है 2015. जो ऑपरेशन हुए हैं ऑपरेशन के बाद मेरा अब तक 50 किलो वेट लूज हुआ है. पहले मैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे ऊपर जाने के लिए हिचकिचाता था. चला जाता था लेकिन अवॉइड करता था कि ना जाऊं. अब मुझे अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब तो मैं फट से चढ़ जाता हूँ. कोई दिक्कत नहीं आती. खाने पीने के लिए 1.5 महीने का परहेज था वो मैंने पूरा किया. उसके बाद खाने पीने की जो मर्ज़ी खाओ जो मर्ज़ी पियो. 14 इंची मेरा मतलब पेट कम हो गया है. अभी तक तो फिट हूँ दौड़ता फिरता हूँ. किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है. मेरी टांग के अंदर सेप्टिक हो गया था तो मैं इनके पास गया था तो इन्होंने मेरी टांग के 4 सर्जरी की थी. टांग मेरी बड़ी मोटी हो गई थी. उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन किया है. 4 सर्जरी करी हैं जिसके अंदर इन्होंने सेप्टिक बाहर निकाला है और टांग भी मेरी अब तक बिल्कुल ठीक है. उसके अंदर कोई कुछ नहीं है. पैर मेरे सूजे रहते थे अब मेरे पैर भी ठीक हैं. पैरों पे कोई स्वेलिंग नहीं है. और मैं जिस आदमी को देखता हूँ उसको यही अंदर से कहता हूँ भाई आप भी ऑपरेशन कराओ. मेरा नाम मलका जैन है. पहले समझो मेरी लाइफ ऐसी थी जैसे मैं 45 साल की ना होकर 55 साल की हूँ और मैं वर्किंग हूँ. मैं वर्क हो ही नहीं पाती थी. 8 से 10 घंटे का काम होता है मेरा डेली का. मैं 2 या 3 घंटे काम कर पाती थी. लेकिन जब मैंने ये देखा बीमारियाँ बढ़ रही हैं लगातार. घुटनों की भी बीमारी शुरू हो गई. शुगर बीपी थायराइड सब भी शुरू हो गए थे. तो काम ही नहीं कर पाती थी मैं. तो मैंने जब डॉक्टर साहब से मिली इस बायोट्रिक सर्जरी के बारे में सुना डॉक्टर सग्गू जी से तो उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि आप इसे कराओ फ़र्क पड़ेगा. मुझे अब लाइफ अपनी और 10 साल छोटी लगती है. और मैं अब इस टाइम में कोई दवाई नहीं ले रही. एक थायराइड की एक छोटी सी गोली है बस वो लेती हूँ. और नहीं तो सुबह उठते ही नाश्ते में मैं 7 गोलियाँ लिया करती थी. डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू जी ने किया था मेरा ऑपरेशन आज से 4 महीने पहले. मेरा 4 महीने में 17 किलो वेट कम हुआ. अब मुझे कोई भी कैसी भी कोई बीमारी नहीं. ना घुटनों की कोई बीमारी है ना शुगर है ना बीपी है. अगर आपको लाइफ अपनी अच्छी जीनी है तो ये ऑपरेशन बहुत बेस्ट है. लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती इसमें. 1 हफ्ते में काम पे जाने लगी थी ऑपरेशन के बाद ही. तो ऐसा कोई डर वाली कोई बात नहीं है. जैसे सर्जरी से लोग डरते हैं ऐसा डरने की 1% कोई बात नहीं है. मैं मुकेश कुमार सिंगल गाजियाबाद से हूँ. मेरा पहले वेट 118 केजी था. अभी 3.5 महीने पहले मैंने ऑपरेशन कराया है और अभी मेरा वज़न 99 केजी है. पहले शुगर बहुत ज़्यादा रहती थी 250 से ऊपर रहती थी जो कि अभी बिल्कुल नॉर्मल है. नॉर्मल से भी कम है. ब्लड प्रेशर जो हाई रहता था ब्लड प्रेशर मेरा बिल्कुल ठीक है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था वो बिल्कुल नॉर्मल आ चुका है. अब मैं जो पहले जीना चढ़ने में सांस वगैरह चढ़ता था वो अभी से बिल्कुल बंद हो चुका है एकदम. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और डॉक्टर सग्गू एक बेहतरीन इंसान है और ये सभी लोगों को करा लेना चाहिए जिनका वेट हो रहा है. इससे कोई नुकसान नहीं है कोई साइड इफेक्ट नहीं है. आई एम मनदीप कौर. आई एम 30 ईयर्स ओल्ड. 2013 में दिसंबर में सर्जरी करवाई थी. उससे पहले वेट मेरा काफ़ी ज़्यादा था 100 प्लस था और काफ़ी कुछ करने के बावजूद भी वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था. बहुत कुछ ट्राई किया था लाइफ में. सो एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो गया था कि शायद ऐसा ही रहेगा हमेशा. वैसे ठीक है जॉइंट पेन्स कभी कभी फील होना शुरू हो गया था. फिर ऑब्वियसली सर्जरी के बाद जो एक इमीडिएट चेंज आया दैट वॉज समथिंग रियली मिराकुलस आई वुड से. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. यू फील एक्टिव.
आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती है, आप जब सब लोग देखते हैं, कई लोग ये भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि यू लुक मोर यंग, सो वो तो ऑब्वियसली दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द सर्जरी. आई मीन ऑल थैंक्स टू डॉक्टर सगु कि आई फील मोर यंग और कुछ बहुत कुछ करने का अब दिल करता है और ऐसा लगता है कि लाइफ अब स्टार्ट हुई है. इट्स नॉट द एंड, इट हैज़ जस्ट बीन स्टार्टेड नाउ. माय नेम इज जिदे फ्रॉम नाइजीरिया. आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर ओवर 5 years नाउ एंड I've been on drugs, I've been on medication, I've been on insulin, and I just came for a training in India, and I got to know about Dr. Sagu, and I approached him, and he promised me that diabetes is going to be over, BP is going to be over, and I trusted him, and I went for an operation. I was operated on Thursday, but today I'm on my feet. Kudos go to Dr. Sagu because he can handle all this situation. So that's why I'm here today. एक पेशेंट मिसेस कोहली मेरे पास आए थे. उनका वेट तकरीबन 131 किलो के आसपास था और हैवीली डायबिटीज था उनको. काफ़ी इंसुलिन लेते थे वो और काफ़ी मेडिकेशन भी लेते थे. उनका सर्जरी किया है, तकरीबन 45 किलो के आसपास उन्होंने लूज़ किया और अभी उनका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है. कोई मेडिकेशन वो नहीं ले रहे हैं, सारी उनकी इंसुलिन बंद हो गई है. और इसके साथ में वो एक मशीन भी यूज़ कर रहे थे, बाईपैप सोने के लिए. लगभग 5 साल से वो उस मशीन को यूज़ कर रहे थे. उनके बिना उनको नींद नहीं आती थी. अब सर्जरी के बाद में जैसे उन्होंने वेट लूज़ किया है, उन्होंने मशीन लेना भी बंद कर दिया है. बिना मशीन के उनको अच्छे से नींद आती है. ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी उनकी बंद हो गई है. जिडे पेशेंट हमारे इंटरनेशनल पेशेंट हैं जो कि सिर्फ डायबिटीज सर्जरी के लिए आए थे. उनका वेट बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं थे, वो तकरीबन 35 केजी ओवरवेट थे, लेकिन उनको हैवीली डायबिटीज़ थी. शुगर उनका 400-500 रहता था और तकरीबन 100 यूनिट इंसुलिन वो लेते थे. अब सर्जरी के बाद में उनका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है. कोई इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं और ही इज़ लिविंग हैप्पी लाइफ ओवर देयर.